गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जो कुछ नए मॉडल्स आए हैं इजी कैम में, पहले भी आते रहे हैं, कुछ नया मॉडल्स हैं, मैं आपको उसको बताऊंगा कि कैसे उसको कंफिगरेशन करना है, क्या उसका मॉडल है और आप सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप लैपटॉप के अंदर से कैसे आप देख पाइएगा। लैपटॉप पर डायरेक्ट कैमरे को एक्सेस, मोबाइल पर तो आप देखते ही हैं, साथ साथ आप लैपटॉप पर कैसे उसको देख पाएंगे लाइव। तो सबसे पहले ये मैं मॉडल देख रहा हूँ, देखिए मेरे पास वेरियंट है E24A, पहला आपका वेरियंट हो गया, दूसरा वेरिएंट हो गया आपका E21A, ठीक है, तीसरा आपका वेरिएंट हो गया है आपका E21। ये जो आप जो देख रहे हैं E21 मॉडल है ये आपका, तो ये सारे वेरिएंट प्रोसीजर सबका सेम है, ठीक है। E21 आपका प्रोसीजर आपका सबका सेम है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं इस मॉडल की निकालता हूँ, बाकी सब में ही कैमरे हैं, मैं सबको एक कैमरा का कर लीजिएगा तो सब में सेम ही हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका कैमरा एक ये मॉडल हो गया, एक ये मॉडल है E20A जो है सेम ही आपको लुक वाइज ऐसे ही दिखेगा, बस उसमें एक एडिशनल एडवांस फीचर्स दिया गया है जो कि आपको इसमें अलेक्सा और आपका अलेक्सा जो आपका है उसके साथ आप इसको बाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये होम ऑटोमेशन की तरह ये काम करेगा आपका। और ये कैमरे IoT है, इंटरनेट बेस्ड है टोटली, तो सारा कुछ जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है, आपको लाइव व्यू देखना है, प्लेबैक देखना है, आपको ऑनलाइन देखना है, सब कुछ ये मोबाइल पे ही आपका होगा, ठीक है। कहाँ इसका आपका SD कार्ड लगेगा वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये कैमरा के बारे में बताऊं आपको, तो ये जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आपका ये पावर है और ये आपका रिसेट बटन है, ठीक है। और ये जो आप साइड जो देख रहे हैं आपका ये वाला, ये आपका आपका SD कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। 128 GB इसका SD कार्ड इसमें इंसर्ट होता है। सिमिलरली इस मोबाइल में भी ये आपका रिसेट बटन है, ये आपका वोल्ट वाला है, ये आपका इसमें लैन पोर्ट का एडिशनल ऑप्शन दिया हुआ है जो कि इस मॉडल में आपको नहीं मिलेगा। साथ में इसमें SD कार्ड की भी ऑप्शन दिया हुआ है, 128 GB पर कैमरा लगेगा, मतलब कि आपको एक हफ्ते का रिकॉर्डिंग आराम से हो जाएगा 6 दिन के आसपास, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस कैमरे को करना कैसे है, ऑनलाइन कैसे करना है और फिर आप लैपटॉप पर कैसे दिखाना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो E24 आप मॉडल जो देख रहे हैं इसमें आपका ये नीचे में बॉक्स भी रखा हुआ है जिसमें आपको एक अडप्टर मिल जाएगा आपको, इसमें ये देखिए ये आपका अडप्टर हो गया, इसमें आपका सी टाइप आपका लगता है। इस मॉडल में आपका जो हम लोग नॉर्मली जो घर में जो देखते हैं मोबाइल चार्जर वो सी टाइप का रहता है, तो आपका ये सी टाइप रहेगा और इसमें विदाउट सी टाइप है, मतलब ये पुराने वाले जो आते हैं वो वाले इसमें लगेंगे आपको, ठीक है, वो पिन वाले। तो इसको मैंने ये इंसर्ट कर दिया, इसको पावर मैंने दे दिया, जब ये पावर देंगे ये 25 सेकेंड 20 सेकेंड 15 सेकेंड के आसपास ये टाइमिंग लेता है ऑन होने में, उसके बाद ये कैमरा बोलेगा आपको वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्टिंग, अगर सब कुछ सही है तब, ठीक है। अब ये देखिए ये ऑटोमेटिक घूमना शुरू हो गया आपका ये, उसके बाद ये देखिए इसमें एक LED चल रही होगी ब्लू कलर का, तो ये आपका वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्शन बोल रहा है आपका। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे इसको कि अब हम मोबाइल स्विच से निकालेंगे, आवाज़ आपने सुन लिया, इसका एप्लीकेशन का नाम है EasyCam Plus, ये जो आप मेरे मोबाइल में जो देख रहे हैं आप ये यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका EasyCam Plus है इसको आप EasyCam Plus को यूज़ कीजिएगा। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाइएगा, सिंपल आप लिखिएगा EasyCam Plus, यहाँ पर EZYKAM सर्च कीजिएगा, सॉरी ये देखिए सबसे ऊपर वाला आ गया, सबसे ऊपर वाला ही आपको यूज़ करना है, ये है आपका EasyCam Plus, इसको ओपन जब इंस्टॉल कीजिएगा आप तब जाकर के आपको ओपन दिखाएगा, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए ओपन दिखा रहा है ये, ओपन कीजिए इसको, ये प्रोसेस आपका आ गया, ठीक है। इसमें प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी इसमें मल्टीपल्स मॉडल हैं इसमें से आपके पास डिवाइस कौन सा है, मान लीजिए E24A है या E21 है, E21 है या E21A है, B21 है, वॉट एवर योर कैमरा यू हैव टू चूज। सो फर्स्ट मेरा ये कैमरा जो है E24A है,
सो E24 हम ये देख लेंगे, E24 कहाँ पर है, ये देखिए E24 है, ये सिलेक्शन कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपसे ऑप्शन देगा QR कोड, केबल और इजी मोड। इजी मोड पे सब सिलेक्शन करेंगे तो आपको स्कैन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन QR कोड में जब करेंगे तो आपको स्कैन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर रखते हैं इजी मोड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपको हाईलाइट हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे चले जाना है, आपको यूज़ करना है यहाँ पर, आपको ये क्या लिखा अलाउ लोकेशन, तो एलोकेशन आपको लोकेशन का आपको एक्सेस दे देना है, ये आपने एक्सेस दे दिया। अब वो वापस से हम आ जाएंगे इजी कैम प्लस पर, ठीक है, वापस से प्लस पे चले जाएंगे, जो हमारा मॉडल है वो सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद फिर से सेम इजी मोड नेक्स्ट, जब ये करेंगे हम, जब हमारा लोकेशन इनेबल रहेगा तब आपसे ये पूछेगा नहीं, ठीक है। जब हम नेक्स्ट करेंगे ऑप्शन, ये आपको मिल गया, ये हमारा जो ऑफिस का नाम है AIL पटना, वाईफाई का नाम है, पासवर्ड जो हमारा है वो है, ठीक है। ये जो वाईफाई है 2.4 GHz पे काम करता है, ठीक है, 5 GHz पे काम नहीं करता है हमारा कोई भी कैमरा, ठीक है, ख़ास करके इजी कैम सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। फिर हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, ये डिवाइस एडिंग का ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है, हम वेट करेंगे। ये ध्यान से सुनिएगा, वाईफाई कनेक्टिंग प्लीज वेट दिखा रहा है, ये अभी बोल दिया वाईफाई कनेक्शन सक्सेस। ये जो ब्लिंकिंग जो कर रहा है LED आपको सामने, वो आपको स्टेबल हो जाएगा, ये देखिए डिवाइस एडेड सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। अब इसको हम डन करेंगे, ये ऑनलाइन आ गया, ऑटोमेटिक आपके डिस्प्ले के ऊपर चलना शुरू हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से देखिए ये आपका ये ऑप्शन आपका दे रहा है, या तो आप ऐसे बड़ा करके आप जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं, जिधर आपको घुमाने का मन हो उधर आप घुमा सकते हैं इसको, ठीक है। ये अपने हिसाब से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम वापस चले जाते हैं इसको एज इट इज, ठीक है। यहाँ से जो आप जो क्लिक जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो आपका ये जो आप ऑप्शन जो देख रहे हैं बीच वाला, ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए मतलब कि आपका जैसे हम फ़ोन पे जैसे हम बात करते हैं उस हिसाब से आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो ये जो आपका तीन बटन है यहाँ पर, तीन सिम्बॉल जो दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको आ जाइएगा आप यहाँ पर, या डिस्प्ले सेटिंग या बेसिक फंक्शन सेटिंग्स, बेसिक फंक्शन सेटिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए टू वे मोड है, इसको बाय डिफॉल्ट ये जो है आपका ये वन वे कम्युनिकेशन पे लगा हुआ रहता है, मतलब जब आप बोलेंगे सिर्फ उनको सुनाई देगा, लेकिन जब आप टू वे पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद बैक आ जाइए, उसके बाद आपको हिसाब से ये काम शुरू करेगा। और ये आपका स्पीकर है और ये आपका टू वे कम्युनिकेशन है, ये बीच वाला जो आपको टेलीफोन का जो घंटी दिख रहा है उस टाइप का बिल्कुल सेम, ठीक है। उसके बाद ये मोशन ट्रैकिंग भी इसमें दिया हुआ है, ये सारे फंक्शंस तीनों चारों जितने भी मॉडल्स इसमें दिए हुए हैं सब में आपको मिलेगा। मोशन ट्रैकिंग क्या हुआ आपका, इसका जब आप क्लिक कर देंगे, मान लीजिए घर पर आप नहीं हैं और आपने इसको मोशन क्लिक कर दिया, कहीं से भी आप बैठे हुए हैं रिमोट से भी, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये हमने रख दिया। अब ये देखिए हमारा हाथ, जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे ये घूमता चला जाएगा, ठीक है। ये एडवांटेज है आपका मोशन ट्रैकिंग का, कि मान लीजिए आप घर पे नहीं है, कोई भी मोशन आया या कोई भी मिस हैपनिंग हो रहा है, तो जो भी मोशन होगा उसके अकॉर्डिंग ये कैमरा रिकॉर्ड भी करते चला जाएगा, तो एडवांटेज ये है आपका मोशन रिकॉर्डिंग का, ठीक है। उसके बाद मोशन डिटेक्शन का अगर आप इनेबल कर देते हैं तो कुछ भी, देखिए मैं यहाँ पे सामने खड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको, तो आपको ये क्या करेगा एज इट इज रिकॉर्ड करते चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्राइवेट मोड क्या है आपका, ये आपका कैमरा को बंद कर देता है, मतलब आप घर पे हैं, कुछ प्राइवेट बात करना है या कुछ ऐसा मिस हैपनिंग करना है, चाहे जो भी आपको आपसे जो रिकॉर्ड ना हो कैमरे में, वन सिंगल क्लिक कीजिए आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइवेट मोड हो गया। कलर थीम पे क्या करना है आपको,
कि आप डार्क मोड है या लाइट मोड है ये देख के करके देख लीजिए, लाइट मोड में क्या ऑप्शन आ रहा है, लाइट मोड है डार्क मोड करके देख लीजिए, ये देखिए बदल गया आपका। सेम चीज़ें हैं इसमें, फंक्शन बहुत सारा है, अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपका इसमें स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। ये रही प्लेबैक की बात, ये प्लेबैक जब करेंगे आप, ये लिखा हुआ है योर कैमरा हैज नो स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, जब आपका स्टोरेज डिवाइसेस रहेगा तो आपको प्लेबैक भी चलना शुरू हो जाएगा, अपने हिसाब से डेट एंड टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। याद रखिएगा जब आप एक कैमरे में ऐड कर चुके हैं, किसी दूसरे को भी ऐड करना है, सिंपल क्या करना है आपको, पहले उसको मोबाइल पर एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा, उसके बाद उसको लॉगिन करवाइएगा, यूजर नेम पासवर्ड जो भी नया बनाएगा वो, उसके बाद आप यहाँ देखिएगा शेयर डिवाइस का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जाना है, ऐड शेयरिंग पे जाना है और आपको जैसे ये नंबर डालना है, मान लीजिए शेयर अकाउंट करना है ये, तो आप यहाँ पर अकाउंट नंबर जो उसका मोबाइल नंबर है या फिर आपका ईमेल आईडी है वो डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ ऑप्शन ये है डन का जो ऑप्शन दिया हुआ है ये हाईलाइट हो जाएगा आपका, उसके बाद ऑटोमेटिक उसके मोबाइल पर ये चलने लगेगा, ठीक है। ये सिक्योरिटी फीचर डला हुआ है कैमरे में ताकि आपके मोबाइल को कौन कौन एक्सेस कर रहा है एटलीस्ट आपको जरूर पता हो, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आपको ऑफलाइन नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है, मान लीजिए इसको ऑन ऑफ और ये कर देते हैं आप इसको इनेबल, ठीक है, कंफर्म कर दिया मैंने, तो जब भी कैमरे को ऑफलाइन मोड में होगा यानी कि इंटरनेट कटेगा या फिर पावर कट होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि आपका कैमरा किसी भी रीजन से या तो पावर के रीजन से या फिर इंटरनेट के रीजन से आपका कैमरा बंद हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये प्राइवेट मोड आपको बताया ही मैंने आपको, ये आपको मैंने बताया आपको कि गूगल होम अलेक्सा जो है आपका या अमेजन इको का जो डिवाइस आता है उससे आप ऐड कर देंगे तो फिर जो भी आप कमांड देंगे उस डिवाइसेस पे वो काम करेगा। ये था ओवरऑल आपका, ये आपको मैसेजेस देख लीजिए, जो भी आपका मान लीजिए आपका अलार्म रहेगा तो सारा कुछ आपको मोबाइल पे दिखना शुरू हो जाएगा, डायरेक्शन आप देख सकते हैं किधर घुमा सकते हैं, ये सारा कुछ आपका डायरेक्शन घूम सकता है, ठीक है। साइट पे आप देख लीजिएगा, ये साइट का क्या मतलब है कि मान लीजिए कैमरा इधर है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दीजिए और जो भी आपको नाम देना है नाम दे दिया, कन्फर्म कर दिया, ठीक है। अब हम इस कैमरे को एक तरह से एज ए प्रीसेट की तरह यूज़ करेंगे, जैसे PTZ में होता है कि जो भी उधर मुझसे मूवमेंट होगा तो वो कैमरा ऑटोमेटिक घूमना शुरू हो जाएगा। ये इस पर सिंपल क्लिक करना है, वो कैमरा को चला जाएगा वापस घूम कर, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसको मोबाइल लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे आप कैसे देखना है, करना कुछ नहीं है आपको, सिंपल सा कोई भी लैपटॉप या कोई भी डेस्कटॉप ले लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है EZYKAM easycam.cppluscloud.com, यहाँ पर आप देख सकते हैं, easycam.cppluscloud.com, ठीक है, उसको यहाँ पर इंटर प्रेस कीजिएगा। जब ये आप प्रेस करेंगे ये आपका ये ऐसा पेजेस खुल जाएगा आपका, ठीक है। पेजेस खुलने के बाद आपको करना क्या है कि वापस आपको अपने मोबाइल पर आना है, मोबाइल पर आने के बाद जो मी का जो ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा और ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये बॉक्स छोटा वाला, इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये QR कोड का ऑप्शन आपका आ जाएगा, इस QR कोड को आपको स्कैन करना है यहाँ से, ये स्कैन हो गया, कन्फर्म लॉगिन कीजिएगा, कन्फर्म लॉगिन ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका ये चीज़ें एक्सेस हो जाएगा, ये देखिए। यहाँ देख रहे हैं आप, अब आप इस चाहते हैं कि इस लैपटॉप के मदद से भी हम आपको घुमाएं, ठीक है, ये जो आप जो देख रहे हैं ये घूम रहा है आपका, ठीक है, ये कितने डिवाइसेज यहाँ पे ऐड होंगे, नंबर ऑफ कितना, वो सारा कुछ, मतलब आपका ये अकाउंट ही यहाँ पे लॉगिन हो गया स्कैन करने से, तो ये आपका इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्शन कर सकते हैं, ये आपको दिया हुआ है लैंग्वेज, आपका अकाउंट ये है, यहाँ पर आपका सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, मेल वगैरह, ठीक है। आप लॉगआउट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको लॉगआउट करना है अपने ऑफिस में, लॉगआउट करके फिर घर जाना है आपको, यहाँ से लॉगआउट कर दीजिए, यहाँ से लॉगआउट करके आप घर चले जाएंगे। तो ये था आपका इस कैमरे का फीचर्स, ठीक है। एक क्लाउड स्टोरेज भी ऑप्शन दिया हुआ है, क्लाउड सर्विसेज अभी हमारे पास नहीं है लेकिन आने वाले 1-2 महीने में ये भी ऑप्शन हो जाएगा कि आप रिकॉर्डिंग डायरेक्ट कर सको। ये वीडियो समझ में आया होगा और अगर वीडियो आपको समझ में आया है कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को जो कन्वीनियंट होता है, इनकन्वीनियंट होता है ऐड करने में कैसे करना है तो वो प्रॉब्लम
आपको उसको रेक्टिफाई मिलेगा। आखिरी में जाते जाते एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि किसी मोबाइल में जैसे हमने ऐड कर दिया, ठीक है, अगर इसी कैमरे को हमने बंद कर दिया, इवन की एप्लीकेशन भी अनइंस्टॉल कर दिया, और अब हम चाहते हैं कि दूसरे में ऐड करवाएं, तो आपको वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले कभी भी जब ऐड करें, सिंपल यहाँ क्लिक कीजिए, और सबसे पहले यहाँ रिमूव डिवाइस का जो ऑप्शन जो आपको दिख रहा है उस पर क्लिक कर दिया कीजिए, ताकि बहुत सारे जो हमारे स्टार पार्टनर्स हैं, T2 पार्टनर्स हैं, तो वो डेमो दिखाने के लिए ऐड तो करते हैं, लेकिन वो बाई मिस्टेक जाने अनजाने में वो मिस रिमूव करना डिवाइस से भूल जाते हैं वो। तो जब वो ग्राहक को जब बेच देते हैं तो उनको बाद में दिक्कत आती है, अप्लाई एंड बाइंड का ऑप्शन होता है, 24 घंटा प्रोसेस लगता है, तो उस चीज़ से आप बचें, ठीक है। थैंक यू।